हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तस्खीर है और इस बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो एंड तक बने रहिएगा। टाइटल है वीडियो का, हाउ डिड पाकिस्तान बिकम एटॉमिक पावर। ए कैसे बना भाई, सबको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन कैसे बना ये नहीं पता। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और कुछ नहीं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। 1997 में भारतीय जंगी ताकत पाकिस्तान से बहुत बढ़ चुकी थी। रवायती हथियारों जैसे मशीन गन्स, तोपें, टैंक्स, इनमें पाकिस्तान और भारत का फर्क बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब हुआ ये कि भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी से भी खुद को लेस करना शुरू कर दिया था और अब इसके मुकाबले के लिए पाकिस्तान को भी गैर रवायती हथियारों की तरफ आना पड़ा और इसके लिए पाकिस्तान बहुत पहले से तैयारी कर रहा था। लेकिन भारत के साथ मिसाइल की दौड़ दोनों मुल्कों को एटमी धमाकों तक ले गई। इसके पीछे असल कहानी क्या थी? अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर को इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने क्या खुफिया पैगाम दिया? पाकिस्तान के तैयारे के अगवा होने की कहानी क्या थी? मैं हूं फैसल वड़ाइच और देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सीरीज में हम आपको यही सब दिखाएंगे। शुरू हो चुका था और भारत में दाएं बाजू की जमात बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आजम बन चुके थे। बीजेपी वैसे भी पाकिस्तान और मुसलमानों के बारे में सख्त जज्बात रखने वाली जमात थी और अभी चंद साल पहले इसी जमात ने बाबरी मस्जिद पर हमला भी किया था, तो ऐसे में दोनों मुल्कों के हालात ठीक होने के बजाय मजीद खराब होने लगे। और सिर्फ खराब ही नहीं हो रहे थे बल्कि ये भी हो रहा था कि अमेरिका, जो पहले पाकिस्तान के दिफा में तावुन करता था, अब उसने भारत से तावुन बढ़ा लिया था। सिर्फ 6 बरस में भारत से अमेरिकी तिजारत 10 अरब डॉलर तक जा पहुंची थी। भारत की रवायती जंगी ताकत पाकिस्तान से बहुत ऊपर जा चुकी थी। भारत कन्वेंशनल वेपन्स में पाकिस्तान से इतना आगे जा चुका था कि अगर दू बदू जंग हो जाती तो पाकिस्तान के लिए मुकाबला करना मुश्किल था। वो इसलिए कि ऑन पेपर भारत को फौज और हथियारों की तादाद में वाजिया बर्तरी हासिल थी। इस पर मजीद ये कि गैर रवायती हथियार जैसे मिसाइल सिस्टम में भी भारत बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था। भारत 350 किलोमीटर रेंज वाले पृथ्वी और 2000 किलोमीटर की रेंज वाले अग्नि मिसाइल भी तैयार कर रहा था, जबकि पाकिस्तान के दिफा का अहम तरीन हथियार शॉर्ट रेंज मिसाइल M11 था, जिसकी रेंज सिर्फ 300 किलोमीटर तक थी। ऐसे में जरूरी था कि पाकिस्तान भारत की फौजी ताकत को बैलेंस करने के लिए खुद भी शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स तैयार करें, और पाकिस्तान काफ़ी अरसे से इसकी तैयारी कर भी रहा था। हम आपको हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की किस्त नंबर 32 में इसकी पूरी कहानी दिखा चुके हैं कि किस तरह खुफिया तरीके से बेनजीर भुट्टो शुमाली कोरिया से मिसाइल टेक्नोलॉजी लेकर आई थी। तो हुआ यूं कि 6 अप्रैल 1998 को पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल हतफ 5, जिसे गौरी मिसाइल भी कहा जाता है, का कामयाब तजर्बा किया। 1500 किलोमीटर तक मार करने वाला ये मिसाइल उस वक्त तक तैयार होने वाले तमाम भारतीय मिसाइल्स का तोड़ था। इस मिसाइल के बारे में दावा किया गया कि इसे कोई एंटी मिसाइल सिस्टम कैच नहीं कर सकता। ओके। कामयाब तजर्बे में गौरी मिसाइल ने सिर्फ 10 मिनट में अपने हदफ को निशाना बनाया। गौरी मिसाइल के तजर्बे के साथ ही भारत के अहम तरीन शहर यानी दारुल हुकूमत दिल्ली, भारत का ट्रेड सेंटर बम्बे, चेन्नई, नागपुर, अहमदाबाद, जलंधर और जैसलमेर समेत कई शहर पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज में आ गए थे। ये मिसाइल तजर्बा दिफाई मैदान में एक बहुत बड़ी छलांग थी। अब ताकत का तवाज़ुन काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुका था, क्योंकि खुली जंग में पाकिस्तान के पास एक बड़ा हथियार मौजूद था और इसकी सलाहियत दुनिया ने देख भी ली थी। लेकिन भारत एक बड़ा मुल्क और वहाँ बीजेपी की हुकूमत, वो हुकूमत जो इक्तदार में ही पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाकर आई थी, ये बात उन्हें कबूल नहीं थी। इधर पाकिस्तान में लोग खुश थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे और मुबारकबादें ले और दे रहे थे, तो उधर भारतीय वजीर आजम वाजपेयी ने ताकत का तवाज़ुन एक बार फिर अपने हक में दिखाने के लिए एटमी धमाकों का मंसूबा बना लिया। इस मंसूबे का ऐलान उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में भी किया था, लेकिन
पाकिस्तान के मिसाइल तजर्बे ने उन्हें अपने अवाम और दुनिया के सामने एक जवाब भी फराहम कर दिया। 11 मई 1998 को वज़ीर आज़म पाकिस्तान काजकिस्तान के दौरे पर थे कि उन्हें एक इत्तला मिली। इस इत्तला ने उन्हें ज़िंदगी के सबसे बड़े चैलेंज से दो चार कर दिया। इत्तला ये थी कि भारत ने राजस्थान के इलाके पोखरान में 3 एटमी धमाके कर दिए। ये वही जगह थी जहां भारत 1974 में भी एटमी धमाके कर चुका था या कर दिया था। जब भारत ने एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारतखाने में उनके यौम दिफा की तकरीब हो रही थी। इस तकरीब में आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत और एटमी साइंसदान डॉक्टर कदीर भी मौजूद थे। दोनों की मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने कहा भारतीय धमाकों का जवाब दिया जाए। डॉक्टर कदीर ने जवाब में कहा हम तैयार हैं। पाकिस्तान में एक आम आदमी से लेकर वजीर आजम और आर्मी चीफ तक सब जवाब भी एटमी धमाकों के लिए तैयार थे, लेकिन इसमें एक मसला भी था और वो ये कि जिस वक्त भारत ने एटमी धमाके किए एन उन दिनों अमेरिका की क्यादत में दुनिया में एटमी असले से पाक करने की एक मुहिम चलाई जा रही थी, इसलिए पाकिस्तान पहले भारतीय धमाकों पर आलमी रद्देमल का जायज़ा लेना चाहता था। भारतीय धमाकों के फौरी रद्देमल में ये हुआ कि अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया यानी तकरीबन तमाम बड़ी आलमी ताकतों ने धमाकों की मुसम्मत की। अमेरिका ने तो 12 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद भी रोक ली। इंटरनेशनल कम्यूनिटी समझती थी कि भारत ने धमाके करके एटमी असलाह ख़त्म करने की कोशिशों को नुकसान पहुँचाया है। जापान जो एटमी हमले सह चुका था उसके शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और भारत के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी। इतना कुछ हुआ। जापान, न्यूजीलैंड, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया ने भारत से अपने सफीर भी वापस बुला लिए। यही नहीं बल्कि इन ममालिक ने भारत को दी जाने वाली मिलिट्री और नॉन मिलिट्री इमदाद भी रोक ली। ये सख्त नौइयत की पाबंदियाँ और शदीद नौइयत का आलमी बहुत प्रेशर सब तरफ। लेकिन आप हैरान होंगे कि ये सारे दबाव चंद दिन में ही हवा हो। वो यूं कि अमेरिका ने 12 करोड़ डॉलर की मिलिट्री एड तो रोकी, लेकिन जो अमेरिकी इन्वेस्टर्स भारत में 7 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने वाले थे वो और उनकी इन्वेस्टमेंट वहीं मौजूद रहे। उन्होंने अमेरिकी हुकूमत पर दबाव डाला कि भारत के खिलाफ सख्त पाबंदियां ना लगाई जाएं, क्योंकि इससे अमेरिकी मुफाद ही को नुकसान पहुंचेगा। शायद यही वजह थी कि भारत ने 2 दिन बाद 2 और एटमी तजर्बात कर कंडक्ट 2 मोर। ये सब पाकिस्तान के लिए बहुत मायूस कुन था, लेकिन इससे भी ज्यादा मायूसी चंद दिन बाद होने वाले G8 इजलास से हुई। G8 इजलास दुनिया की 8 बड़ी मुआशी ताकतों का इज्तमा होता था जिसमें वो आलमी हालात और तजारत पर गुफ्तगू करते थे। इस इजलास में भी भारतीय एटमी धमाकों पर मुजम्मत के बजाय रूस की जानिब से कहा गया कि अगर इंडिया चाहे तो 4 धमाके और कर सकता है। यही नहीं बल्कि वही ममालिक जो चंद दिन पहले एटमी हथियारों ही के खात्मे की बात कर रहे थे, उन्होंने यानी अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने भारत में सरमायाकारी के मजीद मुआहदे कर लिए। सिर्फ इसी पर बस नहीं, अभी और सुने। इस संजीदा तरीन इजलास में जर्मन चांसलर ने बेपर की उड़ा दी कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके कर दिए। अब ये उनका अंदरूनी खौफ था या शरारत, लेकिन पाकिस्तान के नाकर्दा एटमी धमाके की खबर जंगल में आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई, बल्कि कई जगहों से मुजम्मत भी आ गई और पाकिस्तानी सफारतखानों में तस्दीक के लिए टेलीफोन्स की ना थमने वाली घंटियां बजने लगी। बहरहाल इस आलमी गैर संजीदगी और ड्रामे ने BJP के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को और शेर कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को खुलेआम एटमी हमले की धमकियाँ देना शुरू कर दी। अब वो न्यूक्लियर टेस्ट से आगे बढ़कर पाकिस्तान पर बम फेंकने की बातों पर उतर आए थे। इतने बड़े ओहदे पर बैठे शख्स को ये सब जेब नहीं देता था, लेकिन वो ये कर रहे थे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर गरीब किसान बमबारी में मारे जा रहे थे और भारी हथियार दोनों तरफ से बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए थे। इस सारे दबाव को जो एक शख्स झेल रहा था वो था वज़ीर आज़म पाकिस्तान, क्योंकि धमाकों का फैसला उन्होंने करना था और फैसले के बाद पैदा होने वाले नतायज की जिम्मेदारी भी उनकी थी। और ये नतायज क्या हो सकते थे यही बताने के लिए अमरीकी सदर बिल क्लिंटन उन्हें फोन भी कर रहे थे।
अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को फोन किया और धमकी दी कि अगर पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो उस पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी। पाकिस्तान के लिए अमेरिका एक बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर था और अमरीकी पाबंदियां पाकिस्तान के लिए बहुत मुआशी मसाइल पैदा कर सकती थी। साथ ही साथ उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को $5 अरब और F-16 तैयारों की रकम वापसी का भी लालच दिया कि अगर पाकिस्तान एटमी तजर्बात से बाज रहे तो ये सब उसे मिल सकता है। नवाज शरीफ ये सब सुन रहे थे लेकिन अमरीकी सदर की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे थे। चुनाचे अमरीकी सदर एक कदम और आगे बढ़े। उन्होंने एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन पाकिस्तान भेज दिया जिसके जिम्मे सिर्फ एक काम था और वो ये कि किसी तरह पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क्यादत को कायल किया जाए कि पाकिस्तान जौहरी हथियारों का तजर्बा ना करे। ये बहुत हाई प्रोफाइल वफ्द था जिसमें अमरीकी सेंट्रल कमांड के जनरल एंथनी और नायब वजीर खारजा बोट भी शामिल। इस वफ्द ने पाकिस्तान को दबाव और धमकियों दोनों तरह से कायल करना शुरू कर दिया कि वो न्यूट्रल टेस्ट ना करें। लेकिन अमरीकी वफ्द का दौरा नाकाम रहा और स्टेट डिपार्टमेंट ने एतराफ किया कि वो पाकिस्तान हुकूमत को धमाके रोकने पर मजबूर नहीं कर सकते। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को फ़ोन करके आखिरी बार जौहरी हथियारों के टेस्ट से बाज रखने की कोशिश की जिसका वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तसर जवाब ये दिया कि मैं वादा नहीं कर सकता। जब अमेरिका और भारत को यकीन हो गया कि पाकिस्तान एटमी धमाका ज़रूर करेगा तो उन्होंने आखिरी हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो हथियार ये था कि अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में एक करारदाद पास करवाई जाए कि अगर आज के बाद किसी मुल्क ने एटमी हथियार टेस्ट किए तो उस पर इराक जैसी पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी। इस करारदाद की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। जिन लोगों ने इराक पर लगने वाली पाबंदियों का दौर नहीं देखा उन्हें बताते चलें कि इराक पर वैसी ही पाबंदियां आई थीं जैसी आज शुमाली कोरिया पर हैं, बल्कि इससे भी सख्त। सिर्फ खुराक और अद्वियात के अलावा इराक बाहर से कोई चीज़ नहीं खरीद सकता था ना बेच सकता था। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक के इराक से सफारती रबते ख़त्म थे और उसकी फिजाओं में अमेरिका और बरतानिया के तैयारे चक्कर लगाते रहे। बहुत चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है। इराक को अमली तौर पर पत्थर के दौर में धकेल दिया गया था। अगर सलामती कौंसल में ये करारदाद मंजूर हो जाती तो पाकिस्तान कभी एटमी हथियार टेस्ट नहीं कर सकता था क्योंकि ऐसा करने की सूरत में उसे भी इराक जैसे इंजाम से दोचार होना पड़ता। लेकिन इस दौरान भारत की एक गलती ने पाकिस्तान को बचा लिया। हुआ यूं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ चीन को भी धमकाना शुरू कर दिया। इंडिया ने कहना शुरू किया कि चीन उन भारतीय इलाकों को फिलफौर खाली करे जिन पर उसने 1962 में कब्जा कर लिया था। अब ये पाक चीन दोस्ती थी या फिर चीन का भारत पर गुस्सा कि उसने सलामती कौंसिल के मेंबर्स को ये पैगाम भेज दिया कि अगर एटमी धमाकों के खिलाफ पाबंदियों की करारदाद सलामती कौंसिल में लाई गई तो वो उसे वीटो कर देगा। चीन के इस ऐलान से आलमी ताकतों का पाकिस्तान को रोकने का मनसूबा खाक में मिल गया और ये करारदाद सलामती कौंसिल में पेश ही ना हो सकी। इस मरहले पर एंट्री हुई एक और धमाका खेज खबर की। खबर ये थी कि इसराइल भारत के साथ मिलकर पाकिस्तानी एटमी तंसीबात पर हमला कर इसराइल जैसा कि वो इराक की तंसीबात पर कर चुका था और इराक की तंसीबात तबाह भी हो चुकी थी। इस खबर के बाद अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर से इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने मुलाकात और वाजिया किया कि उनका पाकिस्तानी तंसीबात पर हमले का कोई मंसूबा नहीं है लेकिन इस वक्त तक पाकिस्तान फैसला कर चुका। अब एक तरफ तो ये आलमी दबाव था, भारत की धमकियां थी, लेकिन दूसरी तरफ अंदरूनी दबाव भी बहुत ज़्यादा था। इमरान खान लाहौर में मुजाहरे कर रहे थे कि रूखी सूखी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। जमात इस्लामी अलग अल्टीमेटम दे रही थी और अपोजिशन लीडर बेनजीर भुट्टो भी नवाज शरीफ को जनरल न्याजी होने का ताना देते नहीं थकते। रूखी सूखी खाएंगे। और तो और बात यहाँ तक पहुँची कि रावलपिंडी में नन्हे बच्चों का एक जुलूस निकला। जुलूस में बच्चे कह रहे थे कि उन्हें फीडर नहीं न्यूक्लियर ब्लास्ट। न्यूक्लियर इस सारी सूरतेहाल से आप समझ चुके होंगे कि बैरूनी दुनिया से धमाके ना करने और अंदरूनी सतह पर धमाके करने का नाकाबिले तसव्वुर दबाव हुकूमत वक्त पर मौजूद था। पाकिस्तान धमाके करने के लिए तैयारियां कर रहा था लेकिन आलमी अमन और एटमी फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान ने दुनिया से एक आखिरी मुतालबा कर दिया। मुतालबा ये था कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को पेशकश की कि अगर भारत अपने एटमी हथियार तलफ कर दे तो पाकिस्तान भी इस रास्ते पर चलने के लिए गौर करेगा।
ये एक पेशकश थी जिस पर बातचीत के लिए पाकिस्तान ने आगाज किया, लेकिन ये सदा बस सहरा साबित हुई। इन सब बातों के दरमियान ईरान और अफगानिस्तान के करीब पाकिस्तानी सरहद पर एक बहुत कम आबाद और बेआबो गया पहाड़ी चट्टानों के दरमियान कुछ ऐसी नकलो हरकत भी हो रही थी जिस पर अमरीकी सेटेलाइट्स की गहरी नज़रें थीं। ये चागी की पहाड़ियां थीं जिन्हें पाकिस्तान ने तकरीबन 20 साल पहले ही जोहरी टेस्ट के लिए मुंतखब कर लिया था। यहाँ धमाकों के लिए दो लोकेशंस बनाई गई थीं और अब ज़रूरी सामान भी पहुँचा दिया गया था। जोहरी तजर्बात के लिए चागी को मुंतखब करने की दो बड़ी वजूहात, एक वजह यह थी कि यहाँ शदीद गर्मी और पानी ना होने के बायस आबादी भी ना होने के बराबर थी। आज भी दो इसराइल के बराबर टेस्टिंग के लिए जगह ढूंढने जिले की आबादी 100,000 से भी कम। चागी के गिर्द कई किलोमीटर तक वैसे भी इलाका खाली करवा लिया गया था, इसलिए मुमकिन तापकारी से किसी के मुतासिर होने का खदशा नहीं था। दूसरी वजह यह थी कि यह जोग्राफिया इतना मुश्किल था कि अमरीकी सेटेलाइट्स के बगैर यहाँ की जासूसी तकरीबन नामुमकिन थी, क्योंकि आमदोरफ्त के ज़राए ना होने के बराबर थे और इंसानी वसाइल से जासूसी नामुमकिन थी। उस दौर में 20 साल पहले भी इस इलाके का चप्पा चप्पा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की नज़र में था। चागी के पहाड़ी सिलसिले कोहरस में अंग्रेजी के हर्फ एल की शक्ल के दो गार बनाए गए। इस अंदाज में खुदाई का मकसद ये था कि तापकारी पहाड़ों से जल्दी बाहर ना निकल सके। अब पाकिस्तान धमाकों के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन धमाकों से सिर्फ 4 दिन पहले एक और सनसनीखेज वाक्या रोनमा हुआ। यह ऐसा वाक्या था जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था और इस ड्रामे ने एटॉमिक टेस्ट भी खतरे में डाल दी। हुआ कुछ यूं कि 24 मई को PIA के एक तैयारे ने बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से कराची के लिए उड़ान भरी। ये तैयारा रास्ते में गवादर में उतरा। गवादर से इसमें कुछ मजीद मुसाफिर सवार हुए। इनमें 3 मुसाफिर ऐसे भी थे जिनके इरादे कुछ खतरनाक थे। तैयारे ने 24 मुसाफिरों और अमले के 5 लोगों के साथ जैसे ही कराची की तरफ उड़ान भरी, इन मुसाफिरों ने असला निकाल लिया और तैयारे को यरगमाल कर लिया। उन्होंने पायलट से कहा कि वो तैयारे का रुख भारत की तरफ मोड़ दे। इस हवाले से हाईजैकर्स बम्बे एयर कंट्रोल टावर से भी रबते में थे। इंडिया ने तैयारे को बम्बई के करीब एक इलाके में उतरने की इजाज़त भी दे दी, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम हर कीमत पर तैयारे को भारत जाने से रोकना चाहते थे। उन्होंने एक दिलचस्प मंसूबा बनाया। तैयारे का रुख सुबह सिंध के शहर हैदराबाद की तरफ मोड़ दिया गया, लेकिन पायलट्स ने हाईजैकर्स को यही बताया कि वो भारतीय शहर जोधपुर में जा रहे हैं, जहाँ के हाईजैकर उसे ले जाना चाहते थे। हैदराबाद आया तो हाईजैकर्स इत्मीनान से उसे ही जोधपुर समझकर उतर गए। वहाँ पाकिस्तानी हुकाम पहले से भारतीय शहरियों के रूप में मौजूद थे। उन्होंने हिंदी जुबान में हाईजैकर्स से बातचीत शुरू कर दी। हाईजैकर्स ने उन्हें भारतीय समझकर उनका शुक्रिया अदा किया और मुसाफिरों की रहाई के लिए 2 मुतालबात भी पाकिस्तान को सामने रख कर पेश कर। उनका पहला मुतालबा था कि पाकिस्तान चागी में एटॉमिक टेस्ट से दस्तबरदार हो जाए। दूसरा मुतालबा था कि बलूचिस्तान हुकूमत के रुके हुए फंड्स फौरी बहाल किए जाएं। पाकिस्तानी हुकाम ने हाईजैकर्स को कायल किया कि ख्वातीन और बच्चों को रिहा करके मुज़ाकरात तैयारे से बाहर किए जाएं। हाईजैकर्स ये मुतालबा मान गए। वो तैयारे से बाहर आए तो कमांडोज ने एक्शन शुरू कर दिया और तीनों हाईजैकर्स को जिंदा पकड़ लिया। बाद में ये इंकशाफ हुआ कि तीनों हाईजैकर्स रा के एजेंट थे। वो ग्वादर एयरपोर्ट पर 1,00,000 रुपया रिश्वत देकर असले समेत जहाज में सवार हुए थे। उनका मंसूबा ये था कि वो तैयारे को जोधपुर से नई दिल्ली ले जाएंगे और वहाँ भारतीय मीडिया पर अपने मुतालबात पाकिस्तान से पेश करेंगे, जिसे लाइव दिखाया जाएगा। लेकिन उनका यह ख़तरनाक मंसूबा मट्टी में मिल गया। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान एटमी तजर्बात के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। दोस्त ममालिक चीन और सऊदी अरब को पाकिस्तान ने एतमाद में लिया और अमलन दुनिया से कह दिया कि अब रोक सको तो रोक लो। 28 मई 1998 को जुमेरात के रोज चागी के गिर्द 100 किलोमीटर का इलाका पाक फौज ने घेरे में ले लिया। चागी की फिजा में फाइटर जेट्स परवाज करने लगे। मुमकिन भारतीय हमले के जवाब के लिए मिसाइल नस्ब करके भारत के कई शहरों को निशाने पर रख लिया गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:16 पर चागी के पहाड़ 5 एटमी धमाकों से गूंज उठे। ये चागी 1 था। 30 मई को एक और जोहरी टेस्ट किया गया। ये चागी 2 था।
पांच भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में 6 धमाके हो चुके थे और पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बन चुका था। लोग नाचते हुए सड़कों पर निकल आए, मिठाई की दुकानें खाली हो गईं और बैरून मुल्क बैठे हुए पाकिस्तानी जहां जहां थे खुशी से सरशार हो गए। लेकिन भारत, जहां से रोजाना धमकियों की गूंज सुनाई देती थी, वहां आज खामोशी थी। बल्कि नई दिल्ली में लोकसभा में धमाकों की खबरों के साथ ही हंगामा बरपा हो गया और इजलास बर्खास्त करना पड़ा। चागी वन और चागी टू तो हो गए, लेकिन अब उसके नतायज भी थे। धमाकों के मुखालिफ ममालिक ने पाबंदियां लगाई, जबकि दोस्त ममालिक ने इमदाद का ऐलान कर दिया। जर्मनी ने पाकिस्तान की इमदाद रोक ली। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाकर सजा देने का भी ऐलान कर दिया। स्वीडन ने पाकिस्तान को हथियारों की फरोख्त बंद कर दी। यहां तक कि चीन ने भी धमाकों पर अफसोस का इजहार किया। जापान ने भी पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी। वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन बैंक जो इमदाद फ्राहम कर रहे थे वो रोक दी गई। पाकिस्तान पर $35 अरब कर्ज था और मरकजी बैंक में कुल रिजर्व महज $1.26 अरब थे। अब सामने एक नया इम्तिहान था और जेब तकरीबन खाली थी। पाकिस्तान ने इस बुहरान से कैसे मुकाबला किया और कैसे कामयाबी से इन पहाड़ जैसे मसाइल से निजात हासिल की, ये कहानी भी आपको दिखाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली किस्त। बनना कोई नहीं चाहता था पहले, लेकिन हाँ, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए लोग ऐसे कदम उठाते हैं कंट्रीज़ के, उनको बनना पड़ता है। तो शुरू से ही, बहुत सालों पहले से ही, 1997 से 1998 इसके बीच ये सब कुछ हुआ और इतना कुछ हुआ, इतनी सारी मुश्किलें भी आईं और हमने इसमें पूरा जाना कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मसला था कई बहुत पहले से चलता भी आ रहा था और एक दूसरे की जो नोकझोंक है उसकी वजह से पाकिस्तान को भी ये कदम उठाना पड़ा कि सेफ्टी के लिए, क्योंकि एक कंट्री जब आपकी दुश्मन हो तो आपको अपनी पावर का ख्याल रखना पड़ता है, या फिर और भी जो भी आपके ख़िलाफ़ कभी भी कोई भी कंट्री जा सकती है, तो उन चीज़ों के लिए, उनसे निबटने के लिए या उनकी टक्कर का होने के लिए या फिर उस जंग को बराबर कर कर उस जंग को रोकने के लिए, अगर ऊंचा नीचे होगा तो जंग होना आसान होता है, लेकिन जब बराबरी होती है तो लोग सोचते हैं दोनों तरफ से कि ये जंग ना की जाए। तो उसके लिए पाकिस्तान ने बहुत सारे जो थे इंडिया के टेस्ट करने के बाद, पाकिस्तान ने भी फैसला लिया कि वो भी पावर बढ़ाएगा और उसने बढ़ाया, क्योंकि सेफ्टी ज़रूरी है और होते होते जंगें बची हैं, कितनी तगड़ी तगड़ी जंगें हो सकती थी पहले और वो होते होते रह गई। बहुत सही है, मतलब कि नहीं हुई जंगें, ना हो तो अच्छी बात है भाई। ये न्यूक्लियर वाला सीन जो है बहुत तगड़ा और गंदा होता है, ये ना हो तो ही अच्छा है भाई। लेकिन हाँ, रखते हैं पावर लोग, रखते हैं अपने पास, कंट्रीज़ रखती हैं ताकि सेफ़ रह सकें, और बहुत कुछ झेला इस पावर को बनाने के लिए पाकिस्तान ने, हमने सुना इसके अंदर कितना कुछ झेला, लोगों की कंट्रीज साथ छोड़ गई, जो दोस्त थे या फिर जो चीज़ें पहुंचाते थे, जो जिनकी तरफ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस चलता था वो बंद हो गया बहुत सारी कंट्रीज से, तो बहुत कुछ झेलना पड़ा। एंड बहुत सारी जो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें चल रही थी उसको मैंने सुना तो मुझे बड़ा ही हैरानी हुई कि बच्चे बच्चे तक बात पहुँच गई, बच्चे निकल आए सड़कों पर और न्यूक्लियर पावर बनने के लिए मोटिवेट करने लगे, अपनी ही कंट्री को सपोर्ट करने लगे। और हमने इसमें सुना कि रूखी सूखी खाएंगे, वो शायद इमरान खान के तरफ से था, इमरान खान की पार्टी की तरफ से था शायद, रूखी सूखी खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब ज़रूर बनाएंगे, मतलब न्यूक्लियर पावर बनाकर रहेंगे पाकिस्तान को। ऐसे जो थे वो जुलूस निकले, लोगों ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को बनना चाहिए, मतलब पाकिस्तान के अंदर ही लोगों ने सपोर्ट किया कि बनना चाहिए और पाकिस्तान बना हुआ है। अच्छा है कि जंग नहीं हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा, बहुत ही तगड़े नुकसान होते, क्योंकि बॉर्डर एक ही है इंडिया पाकिस्तान का, जुड़ा हुआ है, उधर की रेंज चाहे आप 300-400 या फिर 1500 की किलोमीटर की रेंज से फेंको कोई चीज़ तो कहीं ना कहीं इंडिया में आएगी, और इंडिया से कोई चीज़ फेंको तो वहाँ तो जाएगी, कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा कंट्री को, किसी भी शहर को हो, कोई भी टारगेट हो उस रेंज में आता हो, उनको नुकसान होना ही है। तो ये पूरी कहानी थी इसके अंदर कि किस तरीके से न्यूक्लियर पावर बना पाकिस्तान, मतलब एक छोटी कंट्री जिसकी पावर बहुत कम थी, जिसको बहुत कम आंका जाता था, वो न्यूक्लियर पावर बना।
किसी भी वजह से बना, सेफ्टी के लिए बना, कभी ना कभी तो बनना था क्योंकि सेफ्टी के लिए कंट्रीज बनती हैं और बनना पड़ता है। जो लेवल था पाकिस्तान का उसके मुकाबले पाकिस्तान जल्दी न्यूक्लियर पावर बन गया मेरे हिसाब से, हाईजैक वगैरह। सो बहुत कुछ सुनने को मिला इसके अंदर, बहुत कुछ जानने को मिला। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताओ कैसा लगा ये वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।